तो दोस्तों फाइनली हम लेकर के आपके लिए आए हैं इंटरव्यू सीरीज। जी हाँ, एडुटॉक इंडिया पर अब आप देखने जा रहे हैं इंटरव्यू सीरीज। इसमें होंगे रियल कैंडिडेट्स और रियल जॉब। जैसा कि मैंने कई वीडियोस में बताया था कि मैं हर दिन इंटरव्यूज लेता रहता हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि ना मैं अपने इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करूँ और आपके तक पहुंचाऊं। आप यहां देखेंगे लगभग 90% जो केसेस हैं, चूंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इंटरव्यू, इसलिए आप कॉरपोरेट से कंपेयर मत कीजिएगा इसमें। यहाँ पर 90% जो इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट हैं, इनको अपना इंट्रोडक्शन नहीं आता है। इनका अप्रोच आप देखिए, इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी तैयारी देखिए, अपना स्ट्रेंथ नहीं जानते हैं, वीकनेस नहीं जानते हैं, कोई गोल नहीं है लाइफ में। इसी कारण भारत की बहुत बड़ी आबादी जो युवा है वो बेरोजगार है। मैं ये बात कहता हूँ और आपको साक्षात अब इस वीडियो में और इसके बाद आने वाले कई सारे वीडियोज़ में आपको ज़रूर दिखाई देंगे। मैंने प्राइवेसी के लिए जो कैंडिडेट है उनकी पहचान को छुपा दिया है, लेकिन पूरा वीडियो जो है वो बिल्कुल रॉ फुटेज है। आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिचुएशन क्या है। हो सकता है उसकी जगह पर या उस कैंडिडेट के जगह पर आप भी हो सकते हैं, तो आपके लिए मौका है इस वीडियो से सीखने का। चलिए बिना देर किए इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो को देखने के बाद में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अपने बारे में बताइए, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। माय नेम इज लीना, आई एम 3, मदर फादर मदर एंड आई एम 3, 1 ब्रदर 2 सिस्टर्स। हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं, हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है उसी भाषा में। मैं मम्मी हाउसवाइफ है, हम 3 भाई बहन है, एक मेरा भाई है, 2 में एक मेरी छोटी बहन है, मतलब मैं बड़ी सिस्टर हूँ, बड़ी हूँ। एंड अभी तक मैंने एक जॉब की है, मैंने कॉलिंग की जॉब की है मैंने करोलबाग में की थी एंड एक बार लक्ष्मी नगर में की है। दो बार किया, एक मंथ की थी एंड सेकंड टाइम मुझे दूर लगा तो इसलिए मैंने छोड़ दी। ओके, अपने पुराने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए। वो उनका कार्ड्स का काम था, ब्रेकडाउन सर्विस कार्ड्स थे, वो सेल करने होते थे, फोन करके सेल करने होते थे। कितने टाइम आपने उसमें किया? 1 मंथ किया है। सेल्स की जॉब क्यों ज्वाइन की थी आपने? स्टार्टिंग की थी, मुझे एक्चुअली पता नहीं था, स्टार्टिंग की थी मुझे। अच्छा, फर्स्ट टाइम क्या था? फिर उसको क्विट क्यों कर दिया आपने? यस सर। क्यों आपने उस जॉब को क्विट कर दिया? एक्चुअली बहुत दूर लगता था सर, इसलिए। ज्वाइनिंग जब आप इंटरव्यू देने गई थी उस समय दूर नहीं लगा था? मैंने स्टार्टिंग थी तो थोड़ा जाकर देखा था, थोड़ा टाइमिंग का प्रॉब्लम था इसलिए। ओके, तो अभी आप इस जॉब को क्यों करना चाह रही हैं? एक्चुअली थोड़ा घर में प्रॉब्लम है फाइनेंशियली तो इसलिए। ओके, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है? रिसेप्शन। क्या होता है ये रिसेप्शन में? हर चीज का रिकॉर्ड रखना, जो आ रहा है, जो जा रहा है, जो चीज हो रही है उस चीज का रिकॉर्ड रखना, ये सब वर्क होता है। ओके, और लाइफ का गोल क्या है आपको? एक्चुअली मुझे एक ऐसा काम करना है कि जिससे मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड करें कि हाँ ऐसा किया हमारी बेटी ने। आज से 3 साल के बाद में आप अपने आप को प्रोफेशनली कहाँ देखती हैं? जो प्रोफेशन मुझे लगे कि हाँ आपको सूट करता है उस प्रोफेशन पे ही आगे बढ़ जाऊंगी, ऐसा कोई गोल नहीं है अभी। तो अभी आपका कोई गोल नहीं है? हेलो, अभी आपका कोई गोल नहीं है? ऐसा कोई गोल अभी तो मुझे बस अपनी फैमिली के लिए करना है, इतना ही है बस अभी को। अभी मैंने 12th ही क्लियर किया है। ओके, कॉलेज भी कर रही है, कॉलेज भी है। ठीक है, अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? बीए प्रोग्राम की किया, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं। क्या सब्जेक्ट है इसमें आपको? इंग्लिश है, मैथ्स है, नहीं मैथ्स नहीं है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है एंड एनवायरमेंटल साइंस। ओके, और कितना पढ़ाई करना चाह रही हैं आप?
जितना हो सके मैं कर लूंगी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक, अच्छी बात है। तो रिसेप्शनिस्ट के जॉब को तो आपने समझ लिया, अब मान लीजिए इसमें आप जॉब करेंगे तो आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रही हैं? 10,000 ठीक है। आपके मन में कोई सवाल है जो पूछना चाहें आप? नहीं, ऐसा तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इतना तो पता मुझे रिसेप्शनिस्ट में क्या होता है। तो किसी नए जगह पे जाएंगी तो आपको नहीं लगता है कि आपको सवाल मन में होना चाहिए? आपको थोड़ा लगे, वो तो धीरे धीरे हैंडल हो ही जाता है, पता चल जाता है। तो ओके 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 ठीक है ठीक है। आपका नाम लीना है ना? यस सर। ठीक है लीना जी, अभी तो जैसे कोविड है जिसलिए हम लोग वीडियो कॉल पे हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, और आज भी इंटरव्यू है और कल भी इंटरव्यू है, तो ये 2 दिन हमारा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद में हम इसमें से शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे फिर उनको हम एक बार फिर से बताएंगे, बात करेंगे, फाइनल टर्म कंडीशन बताएंगे, और अगर आपको फाइनल टर्म कंडीशन सब कुछ एक्सेप्टेबल होगा तो फिर आपको ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी। ठीक है? ओके सर। ओके थैंक यू। थैंक यू।